कोविड केंद्रों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, असुविधा और असुरक्षा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को पत्र देकर इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध किया। बीजेपी पदाधिकारियों की प्रमुख मांगे, जिनमें कोविड केंद्रों में महिला और पुरुष रोगियों को अलग रखने का प्राविधान किया जाए, प्रत्येक केंद्रों में CCTV लगाए जाए, महिला वार्ड में महिला सुरक्षा रक्षक और महिला कर्मचारियों की व्यवस्था दी जाए, महिलाओं के लिए अत्यावश्यक बेल की सुविधा दी जाए, केंद्रों में हर बात का लेखा जोखा रखा जाए, कोविड केंद्रों में महिला पुलिस कर्मियों की व्यवस्था दी जाए, साथ ही महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की घटना न घटे इसके लिए एक विशेष योजना के तहत कार्य किया जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एडिशनल SP और BVCMC के अतिरिक्त आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नमस्कार, मी सौ प्रज्ञा कमलाकर पाटील, भारतीय जनता पार्टी वसई विरार शहर जिल्हा महिला मोर्चाची अध्यक्षा। महाराष्ट्रामध्ये कोविडची जी परिस्थिती आहे ती दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत आहे, त्यातच क्वारंटाईन सेंटरमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रश्न हा ऐरणीवर आलेला आहे। आमच्या महाराष्ट्र प्रदेशाच्या प्रदेशाध्यक्षा माननीय उमाताई खापरे यांच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण महाराष्ट्रात महिला मोर्चातर्फे क्वारंटाईन सेंटरवरती होणाऱ्या महिलांच्या अत्याचारावरती ठोस उपाययोजना करण्यासाठी सरकारने काहीतरी दखल घ्यावी ह्यासाठी आम्ही आज आंदोलन केलं। त्यात महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना आणि इथल्या ॲडिशनल SP साहेबांना आम्ही एक निवेदनपर पत्र दिलेलं आहे। त्या पत्रात आम्ही त्यांना सांगितलेलं आहे की आम्ही 8 ऑगस्टला आमच्या जिल्ह्यातून चित्राताई वाघ यांचा जेव्हा दौरा झालेला तेव्हा म्हाडा क्वारंटाईन केंद्रात आम्ही गेलो होतो, पण तिथे आम्हाला बऱ्याच त्रुटी आढळल्या। महिला क्वारंटाईन सेंटरमध्ये महिलांसाठी कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा रक्षक तिथे नव्हते, तिथे पॅनिक बटन नव्हतं, तिथे महिलांसाठी एका महिलेला एका रूममध्ये ठेवलेलं होतं, महिलांची सुरक्षितता ही ऐरणीवर होती। त्यासाठी आम्ही 10 ऑगस्टला आयुक्त साहेबांना भेटून पत्रक दिलं होतं की ह्यासाठी आपण उपाययोजना करावी, पण त्यांच्याकडून कोणतीही उपाययोजना केली गेली नाही। काल आमच्या महिला पदाधिकारी पुन्हा म्हाडाच्या क्वारंटाईन सेंटरमध्ये जाऊन तिथे व्हिजिट दिली आणि सगळ्या गोष्टींचा तिकडे पाहणी केली गेली, पण आयुक्तांकडून अजूनपर्यंत तिथे कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना झालेली नाही। आज आम्ही निवेदन देऊन आलेलो आहोत की लवकरात लवकर जर ह्या महिलांच्या सुरक्षिततेच्या प्रश्नावरती ठोस पावलं उचलली गेली नाही तर नजीकच्या काळात महाराष्ट्र प्रदेशातून संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उमाताई खापरे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडेल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंचन झापोतदार, महिला मोर्चा वसई शहर जिला उपाध्यक्षा। एक्चुअली आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो इसके पहले भी, जैसा मैडम ने बताया कि ऑलरेडी हम लोगों ने म्हाडा के इसको क्वारंटाइन सेंटर विजिट किया था, लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो सुचारू व्यवस्था महिलाओं के लिए होनी चाहिए, जो उचित व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें काफ़ी सारी त्रुटियाँ थी जिसका जिक्र मैडम ने ऑलरेडी किया है। उसी त्रुटि को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है कि उस त्रुटियों को अभी तक आयुक्त को इन्फॉर्म भी किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो उस कार्रवाई को आगे जल्दी से जल्दी इसको अमल पानी होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने ये निवेदन दिया कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर इसके बाद हम लोग आंदोलन करेंगे और इसको बड़े स्तर पर लेके जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रज्ञा कमलाकर पाटील, भारतीय जनता पार्टी वसई विरार शहर जिला महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा। आज पूरे महाराष्ट्र में हमारी भाजपा की प्रदेशाध्यक्षा माननीय उमाताई खापरे जी, इनके नेतृत्व में महिलाओं ने जो क्वारंटाइन सेंटर के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर बार बार शासन प्रशासन से बात की, उनको निवेदन दिया गया कि इस बात के ऊपर आप कुछ कार्रवाई कीजिए।